हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही है, तो यहाँ पे आज देखेंगे टेस्ट 7 को। तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे और वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे आज हमने न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस को भी लिया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हमने न्यूमेरिकल को भी इसमें शामिल किया है, तो उनको भी देखेंगे यहाँ पे। तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे और वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ और आपका यहाँ पे 10 सेकंड दिया जाएगा एक क्वेश्चन के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, तो पहला क्वेश्चन का आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। पृष्ठ तनाव गुण है द सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी, मतलब पृष्ठ तनाव जो होता है वो किसका गुण होता है, तो होता है द्रव का, यानी जो पानी है उसका गुण होता है। जैसे कि वर्षा की बूंदें, वो क्या है, पृष्ठ तनाव का आपका। जैसे देखते हैं मच्छर जो बैठते हैं किस पर, पानी पर, तो डूबते नहीं हैं। जैसे ही हम उसमें क्या डालते हैं, मिट्टी का तेल, तो तुरंत उसमें डूब जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, तो ठीक है। तो सब किसके कारण हो रहा है, पृष्ठ तनाव के कारण। प्रश्न है प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि। अब यहां पे कह रहा है कि फूड इज कुक्ड फास्टर इन प्रेशर कुकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन एयर प्रेशर। देखिए, क्योंकि वायु दाब में वृद्धि हो जाती है। अब उससे वृद्धि जब होती है तो उससे होता क्या है, इस चीज़ के बारे में आपको बताना है। तो उससे होता है क्या कि क्वथनांक को जो है बढ़ा देती है। जो वायु दाब में वृद्धि होती है वो क्या करती है, क्वथनांक को बढ़ा देती है, इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आप इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। प्रश्न है एक आदर्श गैस में समतापीय प्रसार हो रहा है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि। आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज टेकिंग प्लेस इन अ आइडियल गैस बिकॉज द इंक्रीज इन एयर प्रेशर। तो इसमें जो परिवर्तन हो रहा है किस कारण हो रहा है, जो आदर्श गैस में समतापीय प्रसार हो रहा है, यानी उसमें जो विस्तार हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, वो किस कारण से हो रहा है। तो इसका ताप कैसा होगा, क्योंकि वायु दाब में जो है क्या होगा, इसका ताप स्थिर होता है, इसलिए इट्स टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। क्योंकि इसका वायु दाब में जो है क्या होता है, जो यहाँ पे ताप होता है वो स्थिर होता है, जो टेम्परेचर होता है वो आपका स्टेबल होता है। अगले प्रश्न देखेंगे और अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ विच क्वांटिटी। तो यहाँ पे किरचॉफ के नियम की बात की जा रही है। तो किरचॉफ का जो नियम है वो किस पर आपका यहाँ पे रिलेट करता है, अगर सही आंसर की आप बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगले प्रश्न की बात करेंगे और अगले प्रश्न को आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कह रहा है कि अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है वो बहुत धीरे धीरे या तो चल रही है या तो अपने एकदम मतलब जो है एक जगह स्थिर है, उसकी बात कर रहा है। व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ द मोशनलेस ऑब्जेक्ट्स टू रिमेन एट द रेस्ट और मूव विद द सेम वेलोसिटी कॉल्ड। मतलब एक समान वेग से चला, ना तो बहुत तेज चला ना तो बहुत स्लो चला, लेकिन एक समान वेग से चल रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इनर्सिया कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ध्यान रखना है क्या कहेंगे, इनर्सिया कहा जाएगा, जड़त्व कहा जाएगा। अगले प्रश्न को आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है जब एक ग्लास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है। व्हेन अ कार्ड प्लेस्ड ऑन अ ग्लास इज पुश्ड विद अ फिंगर द कॉइन प्लेस्ड ऑन इट्स फॉल्स इन टू द ग्लास, विच लॉ एक्सप्लेन दिस। जैसे कि आपका इस प्रकार से एक ग्लास है, इस प्रकार से आपका एक ग्लास है और इसके ऊपर जो है एक दफ्ती रख उठी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, इसके ऊपर जो है यहाँ पे सिक्का एक रख दिया गया, इसके ऊपर एक सिक्का। अब इसको जो है उंगली से ढकेलते हैं, उंगली से जब हम ढकेलेंगे इसको तो दफ्ती तो सरक के इधर चली जाती है, यहाँ से दफ्ती हट जाएगी, लेकिन ये सिक्का जो है इसमें गिर जाएगा। तो ये किसके कारण होता है, जड़त्व का नियम के कारण, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो ये लगी हुई है, जो यहाँ पे कार्ड रखा हुआ है, जो आपका यहाँ पे दफ्ती रखी हुई है, ये तो आपका गति में आ जाता है, मोशन में, लेकिन सिक्का जो है क्या होता है, स्थिर होता है। तो सिक्का जो है उतनी जल्दी से गति में नहीं आता, इसलिए वो जो है वहीं स्थिर रहता है और वो नीचे गिर जाता है। जैसे आपका आम के पेड़ वगैरह देखते हैं, जब हम उसको हिलाते हैं तो फल टूट के नीचे गिर जाता है, ठीक है, तो वैसे ही होता है।
अगला प्रश्न है, एक गैस के रुद्धोष्म में प्रक्रम दबाव के दौरान उसका तापमान, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस ड्यूरिंग एड्यूबेटिक प्रोसेस प्रेशर। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा कि यहाँ पे एक गैस के रुद्धोष्म प्रक्रम दबाव के दौरान उसका जो तापमान होता है कैसा होता है, तो उसका तापमान इंक्रीज करता है, ध्यान रखें कैसा होता है, इंक्रीज। प्रश्न निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम हैज द लोवेस्ट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो जो सबसे कम यहाँ पे अपवर्तनांक है, अगर किसी का यहाँ पे दे रखा है, जो ऑप्शंस दिख रहे हैं उसमें से है, तो एयर का है, हवा का है, ठीक है, ध्यान रखना निर्वात का 0 हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा डायमंड का हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सही सुमेलित बोला है, असुमेलित बोलना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे असमेलित कर लीजिएगा, मिस मैच यानी अनकरेक्ट यानी मिस मैच यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है, मिस मैच कर लीजिएगा, मिस मैच, यहाँ पे सही की जगह असुमेलित करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में असुमेलित का चयन करें, सेलेक्ट दी मिस मैच फ्रॉम दी फॉलोइंग। मिस मैच आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यानी जो आपका असुमेलित है, यानी जो गलत जिसका मेल दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक साइड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे रखा है, वो यूज दे रखा है, एक आपका है रेडियो वेव्स, तो सेलुलर फोन होता है, एकदम सही है, पहला तो एकदम सही हो गया। दूसरा कह रहा सूक्ष्म तरंगे यानी माइक्रोवेव्स, इसका जो यूज किया जाता है विमान नेविगेशन, इस्तेमाल राडार प्रणाली में, राडार सिस्टम यूज इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन, ये भी सही है। औरत किरण इंफ्रारेड रेज की बात कर रहा है, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के रिमोट स्विच जो होते हैं उसमें यूज इसका किया जाता है, ये भी आपका सही है। गामा किरण, गामा की बात करेंगे तो बैक्टीरिया को नष्ट करने में गलत है, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पराबैंगनी किरणों का, तो यानी ये आपका गलत है, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए हम पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उनका यूज करते हैं। जो गामा किरणें होती है, जो यहाँ पे कैंसर कोशिकाएं होती है, ठीक है, जो कैंसर सेल्स होंगी उनको नष्ट करने के लिए हम दवा के तौर पर यूज किया जाता है, किसका, गामा रेज का। तो यहाँ पे आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, जो कि आपका मिस मैच है, असुमेलित है, ध्यान रखें यहाँ पे सही सुमेलित नहीं फाइंड आउट करना था, आपको मिस मैच फाइंड आउट करना था। गामा रेज जो क्या करती हैं, ध्यान रखेंगे कैंसर जो कोशिकाएं होती हैं उनको नष्ट करने के लिए दवा के तौर पर यूज किया जाता है, यानी जो कैंसर सेल्स हैं उनकी बात की जा रहा है। अगले क्वेश्चन का आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। उष्मा विकिरण की गति होती है, द स्पीड ऑफ हीट रेडिएशन इज, उष्मा विकिरण की जो गति होती है वो कैसी होती है, कितनी होती है, तो प्रकाश के बराबर होती है, ध्यान रखें कितनी होती है, प्रकाश के बराबर, इक्वल टू द लाइट। अगले प्रश्न को देखेंगे और इसका आप जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटी दैट डज नॉट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ वेव। देखिए यहाँ पे जो वेवलेंथ होती है वो भी आपका यहाँ पे तरंग के बारे में बताएगी, वेव्स के बारे में बताएगी, तरंगत जो वेव स्पीड ये भी बताएगी, फ्रिक्वेंसी भी बताएगी, लेकिन ऊंचाई यहाँ पे जो है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना है, ऊंचाई आपका, आपका यहाँ पे हाइट है तो डिस्टेंस आप उसको कर सकते हैं, ठीक है, वो डिस्टेंस के बारे में बताएगा। ध्वनि उत्पन्न होती है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड। देखिए किसी पिंड में दोलन होने पर ही जो है क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि उसी स्थिति हो जाएगा, लोगों से बात करने पर होगा नहीं, किसी वस्तु को गतिशील होने पर, ऐसा भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर सही है, वस्तुओं में जब कंपन होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट, तब आपका क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट में जब तक वाइब्रेशन कोई नहीं होगा, तब तक यहाँ पे जो है क्या होगा, कोई भी ध्वनि आपका साउंड उस पर नहीं आने वाला है, ठीक है, तो इसका जो है फिजिक्स के हिसाब से है, तो इसको ध्यान रखिएगा, फिजिक्स के हिसाब से ही बताया गया है। सतह से सतह पर फेंके गए पिंड का महत्तम परास के लिए प्रक्षेप कोण का मान होगा। परास की बात करेंगे, परास होता क्या है भाई, तो कोई वस्तु जो है उड्डयन काल, मतलब जब तक वो उड़ रही हो, ठीक है, जब तक वो एयर में उसकी बात की जा रही है, यानी जब तक वो एयर की टाइम है उसकी बात कर रहा है, तो वस्तु अपने उड्डयन काल में किसी मतलब जितनी क्षैतिज दूरी तय करती है, मतलब जितनी वो दूर तक जा रही है, मतलब यहाँ से उसको फेंका गया इस प्रकार से, जितनी दूर तक वो जा रही है उसकी बात करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे परास कहा जाता है। तो वस्तु अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करती है उसे हम क्या कहेंगे, परास कहेंगे। और किसी जो है सबसे ज़्यादा दूर तक हमें फेंकने के लिए एंगल कौन सा बनाता है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पर आप जो है देखते होंगे, जो हाई जंपर, यहाँ पे लॉन्ग जंपर होते हैं, वो भी 45 डिग्री एंगल पर ही कूदते हैं, तो
इसलिए जो दूर तक जाते हैं तो भी ध्यान रखना है आपको। किसी कण द्वारा अधिकतम कार्य करने के लिए बल तथा वस्तु कण के बीच झुकाव कितना होना चाहिए? कार्य की बात करें, कार्य का मान अधिकतम कब होता है? कार्य का जो अधिकतम मान होगा तब होगा जब बल एवं बल के दिशा में विस्थापन के मध्य जो कोण होगा, जो एंगल होगा, वो कितना होगा? 0 डिग्री का होगा। तो इसमें आंसर जो आपका निकल जाएगा 0 डिग्री आएगा। और इसमें जो फार्मूला आपका लगता है डब्ल्यू इंटू एफ एस और यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला। इस प्रश्न को आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक कूलम ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज विल बी। तो यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर सही बात करें आंसर की तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही सही है, 6.25 × 10⁻¹⁸ होगा। तो इसको आपको रट लेना, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की आप बात करेंगे तो 1.6 × 10⁻¹⁹ होता है, तो ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे एक इलेक्ट्रॉन में जो आप ये कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ होता है। प्रश्न है 25 वाट तथा 100 वाट के दो विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में 120 वोल्ट के स्रोत से जुड़े हुए हैं, कौन सा बल्ब अधिक चमक के साथ चलेगा? टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर 25 वाट्स एंड 100 वाट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू आ 120 वोल्ट सोर्स, विच बल्ब विल बर्न ब्राइटेस्ट? यानी जो सबसे तेज चमकेगा उसकी बात की जा रही है। तो हम पहले करते हैं जो 25 वाट वाला है उसके जो हम निकाल लेते हैं कि उसका जो बल्ब का जो है प्रतिरोध क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पर जो 25 वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध, इसके प्रतिरोध की अगर हम बात करेंगे तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध के लिए हम यहाँ पे R1 इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो R1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपान का P होता है। तो वोल्ट आपका कितना रखा, 120 दे रखा, इसका स्क्वायर कर दो। और नीचे हमारा P के लिए बात करेंगे तो हम यहाँ पे 25 पे ले रहे हैं, तो 25 के हिसाब से, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे ना 12 का स्क्वायर करके और 25 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 576। 576 क्या आएगा, ओम आएगा, ओके। ये हमारा किसके लिए, पहले जो 25 वाट का बोल्ट है उसके लिए प्रतिरोध हमारा जो दे रखा है। सेकेंड वाले की बात करेंगे R2 के लिए, यानी 100 जो बोल्ट है उसके लिए अगर बात करेंगे तो 100 आपका यहाँ पे V स्क्वायर और P आपका यहाँ पे फिर से अगेन हो जाएगा 120 का स्क्वायर, और आप देखिए सेकेंड में आपका क्या है यहाँ पे 100 है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे ना तो ये आएगा आपका 14.4 ओम हो जाएगा, 14.4 ओम हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा कौन दे रहा है, यहाँ पे आपका 576 इसका रेजिस्टेंस हो रहा है और इसका जो है 14.4 यहाँ पे हो रहा है, तो आपका ऑब्वियसली आंसर ए होगा, ठीक है। जो ज़्यादा यहाँ पे है वही आपका जिसका प्रतिरोध ज़्यादा है वो आपका ज़्यादा चमक से जलेगा, यानी 25 वोल्ट वाला, सॉरी यहाँ पे वाट वाला हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ओके। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर और आप इसका जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक का था यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इच, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है तो यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करेंगे न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है, यानी आपका बी ऑप्शन सही होगा। इसका जो एसआई मात्रक होता है आपका टेस्ला होता है, ठीक है, तो टेस्ला के बराबर ही जो है ये होता है, तो इससे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चाहे जैसे वो पूछ सकता है वो उसके ऊपर है, एग्जामिनर के ऊपर है कि भाई वो पूछना क्या चाह रहा है, तो आपको चीज़ें याद करके जाना है, जितना बेहतर हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर लेना है और कुछ भी नहीं करना, मेन चीज़ें हैं आपका रिवीजन। अब यहाँ पे दिख रहा है संलग्न परिपथ में आई का मान क्या होगा, आई यहाँ पे दिख रहा है आई का मान, जबकि 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान कितना दे रखा है, 2 एम्पियर, यहाँ पे आपका देख सकते हैं 2 एम्पियर दे रखा है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई इन द इनक्लोज्ड सर्किट व्हेन द वैल्यू ऑफ करंट इन अ 3 ओम रेजिस्टेंस इज 3 एम्पियर्स। अब हमको ए वाला का जो है 1 ओम के लिए हमें फाइंड आउट करना है। होता क्या है, समांतर क्रम में जो जुड़े सभी तार के जो सिरों पर विभवांतर होता है वो कैसा होता है, इक्वल होता है, सभी में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो पहले हम जो है 3 ओम प्रतिरोध में सिरों में जो है विभवांतर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ पे हम विभवांतर निकाल लेते हैं, विभवांतर। अब यहाँ पे विभवांतर जो निकाल रहे हैं तो हमारा क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है, आई हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 2 एम्पियर दे रखा है। आर की बात करें रेजिस्टेंस हमारा कितना दे रखा है, 3 आपका दे रखा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 आपका एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। 6 एम्पियर आपका यहाँ पे टोटल जो है 3 ओम विभवांतर के लिए हमारा बोल्ट हो जाएगा।
तो अभी जस्ट आपको बताया गया है कि समांतर क्रम में जुड़े सभी तारों के जो सिरों पर विभवांतर होता कैसा होता, इक्वल होता है। यानी जो एक ओम है यहाँ पे, जो एक ओम है इसके लिए भी जो विभवांतर आपका निकल गया कितना होगा, 6 एम्पियर ही तो होगा, इसके लिए भी 6 एम्पियर हो जाएगा। यानी जो धारा आई है इसके लिए अगर निकालो आप, धारा आई के लिए हमारा क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। तो वी आपका कितना है, वोल्ट आपका आ गया यहाँ पे 6 आ गया, और आर आपका कितना है, 1 है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 आपका दे रखा है, तो हमें ए ही तो निकालना था, तो आपका क्या हो जाएगा 6.0 एम्पियर आ जाएगा। इसका आंसर आपका ए यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर इसका सही होगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पे हमारा 6 कहाँ से आया है, तो 6 को सुनिए पहले कि समांतर क्रम में जुड़े सभी तारों के जो सिरों पर विभवांतर होगा वो कैसा होता है, इक्वल होता है, समान होता है। यानी 2 के लिए भी 6 होगा, 3 के लिए भी 6 होगा, 1 के लिए भी 6 होगा, तो इसीलिए हमारा जो है यहाँ पे क्या होगा, तो इसको हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये पहले वाले के निकाल गया तो 1 लिखा गया, 2 जब यहाँ नीचे लिखेंगे तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखना है आपको। लेकिन विभवांतर सभी के लिए इक्वल होगा, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड इट्स टेम्परेचर, तो उसके टेम्परेचर में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता, रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी उसका जो है जो टेम्परेचर होगा वही हो रहेगा और कुछ भी उसमें नहीं होने वाला है, ठीक है, तो उसको ध्यान रखेंगे आप। प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 1 राशि पूछ रहा है कि द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो यहाँ पे जो कैसी राशि है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो वेक्टर होती है, ठीक है, वेक्टर में आती है, तो आपको वीमा और जितनी राशियाँ हैं जो मात्रक हैं ये सब एकदम रटे रहने चाहिए, ठीक है, बिना कहे हुए जो है ये आपको रटे रहने चाहिए, कुछ भी दोबारा ना कहना पड़े। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के कौन से भाग पर निर्भर करता है, ऑन विच पार्ट ऑफ द लिक्विड डज द मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉयंट फोर्स डिपेंड, यानी जो उत्प्लावन है जो तैरने की बात की जा रही है, तो कोई चीज़ जो तैरती है वो किस पर डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है वहाँ पे जो है किस पर डिपेंड करेगी। अगर सही आंसर की आप बात कर रहे हैं तो किस पर हो जाएगा भाई, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, उसके डेंसिटी पे, उसके घनत्व पर है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे आपका यहाँ पे हो जाएगा घनत्व हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, इसका आप जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा, द वेट ऑफ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी, तो जो पृथ्वी के जब सेंटर पे रहेगा तो उसका जो भार होगा वो कैसा होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे उसका भार जो होगा वो कैसा होगा, 0 होगा। भार की यहाँ पे बात की जा रही है, गुरुत्वीय त्वरण की बात नहीं की जा रही है, ध्यान रखना ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं की जा रही है। अगला क्वेश्चन आपका, इसको जवाब करेंगे आपका, ग्रेविटी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0। दोनों क्वेश्चन आपके डिफरेंट, जो पिछला क्वेश्चन था वहाँ पे आपका भार दे रखा था और यहाँ पे आपकी ग्रेविटी है, तो दोनों चीज़ें आपकी अलग अलग है, तो ध्यान रखेंगे इसका बहुत बेहतर तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है कि पृथ्वी के केंद्र पर जो होता है गुरुत्वीय त्वरण वो कैसा होता है, शून्य होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय जो त्वरण होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण की यहाँ पे बात की जा रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं भार की बात की गई रही है, तो भार है और यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे जब पृथ्वी के केंद्र से हम जो है पोल्स की तरफ इंक्रीज करना शुरू करेंगे तो वहाँ पे जो क्या होगा, जैसे जैसे हम इंक्रीजिंग करेंगे यानी बढ़ना शुरू करेंगे, वैसे वैसे जो है आपका जो ग्रेविटी है उसमें भी इंक्रीजिंग होगी, यानी उसमें वृद्धि होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, पोल्स की तरफ जो बढ़ते हैं तो हमारा जो ग्रेविटी होती है यानी गुरुत्वीय जो त्वरण होता है वो क्या होता है, उसके मान में जो है भी इंक्रीजिंग होती है, यानी उसके वैल्यू में भी वृद्धि होती है। हमने यहाँ से फिर से आपका जो एक ग्रेविटी से ही क्वेश्चन लिया है, तो उसको भी आप जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा कथन असत है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें जो आपका गलत कथन आपको बताना है। देखिए इसमें जी का मान जो ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है एकदम सही है, वर्ड विद दी आपका हाइट जी आपका, ठीक है, जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता, नहीं भाई द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो इसका ध्यान रखना जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है, यानी इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि जो कि आपका गलत दे रखा है।
ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे गलत हो गया। और पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये भी एकदम सही है। और वैल्यू ऑफ द चेंज डिप्थ ऑफ गहराई, गहराई में जाने पर परिवर्तित, जैसे ऊंचाई में जाने पर परिवर्तित होता है, वैसे जब पृथ्वी के केंद्र से हम नीचे जाएंगे तो भी आपका क्या होगा, परिवर्तित ही होगा। तो आपका बी आंसर यहाँ पे सही है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है, तो इसका आप जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है, फटाफट बताएंगे आप इसके सही आंसर को। क्वेश्चन, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वीय बल को किस रूप में जाना जाता है? द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वीय बल को किस रूप में जाना जाता है? तो उसको हम जानते हैं किस रूप में, भार के रूप में जानते हैं, वेट के तौर पर जानते हैं, ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और इसी तरह आपका वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम लोगों के पास चीज़ें पहुँच सकें। PDF इसका टेलीग्राम पे दिया जाएगा और वहाँ पे आप जुड़ें ताकि आपको इसका PDF मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।